कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम देवा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत आज हम आपको पाई डायग्राम तथा वर्ताकार आरेख के बारे में एक प्रॉब्लम बताएंगे कि किस प्रकार से पाई डायग्राम बनाया जाता है। इससे पहले यदि आज तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं के प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न तत्व निम्नलिखित प्रतिशत में उपस्थित रहता है। इन डाटा से वर्ताकार आरेख पाई डायग्राम बनाइए। जो टेबल में दिखाया गया है जीव द्रव्य के तत्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, अदर परसेंट, ऑक्सीजन की 62%, कार्बन की 20%, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन की 33%, कैल्शियम की 2.5%, फास्फोरस की 1.5% और अदर 1%। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम ये जो दिया गया डाटा है तो डाटा से सर्वप्रथम प्रत्येक तत्व एवरी एलिमेंट्स का एंगल कोण मालूम करते हैं। जब कोण मालूम हो जाता है तो पाई डायग्राम बनाने में अपने को आसानी होती है। इसके बाद में इस टेबल को नया रूप देते हैं जिसमें पहले लिखते हैं अपन जीव द्रव्य के तत्व, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और अदर सेकेंड कॉलम में लिखा जाता है परसेंट, ऑक्सीजन की है 62%, कार्बन की है 20%, हाइड्रोजन की है 10%, नाइट्रोजन की है 3%, कैल्शियम की है 2.5%, फास्फोरस 1.5% और अदर 1%। इस प्रकार से टेबल बनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कोण एंगल बनाते हैं। इसमें एक पद के अंदर टोटल 360 का कोण होता है। तो ऑक्सीजन की एंगल याद करने के लिए हम 62 अपॉन
अपॉन 100। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसको लास्ट में करते हैं। इसका एंगल आता है 223.2°C। इसी प्रकार से नेक्स्ट %72 आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट 36% आता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का 10.8% आता है। इसके बाद में कैल्शियम का 9% 9° आता है। इसी प्रकार से फास्फोरस का 4°। इसी प्रकार से लास्ट जो अदर है उसको लेते हैं। इस प्रकार से टेबल बनती है और टेबल में इसका एंगल प्राप्त हो जाता है कोण। इस कोण की सहायता से हम नेक्स्ट में पाई डायग्राम का निर्माण करेंगे। सर्वप्रथम एक वर्ग बनाते हैं। इस वर्क में बेस सेंटर से सर्वप्रथम ऑक्सीजन जो 62% है उसको एक बेस के आधार पर लेके और उसका एंगल बनाते हैं 223.2°C। होता है
इसी प्रकार से कार्बन का जो 20% है इसका एंगल होता है 72%, इसका 72% एंगल बना लेते हैं। कार्बन 20% 20%, हाइड्रोजन 10% है, इसका एंगल होता है 36% का, हाइड्रोजन 10%, इसके बाद नाइट्रोजन 3%, इसका कोण होता है एंगल होता है 10.8%, नाइट्रोजन 3%, फिर कैल्शियम आता है 2.5%, जिसका एंगल होता है 9 डिग्री और परसेंट होता है 2.5%। इसी प्रकार से फास्फोरस फास्फोरस इसका एंगल होता है 5.4, और परसेंट मात्रा होती है 1.5%, अदर होती है 1%, जिसका एंगल होता है 3.6, अदर एक परसेंट। इस प्रकार से ये पाई डायग्राम जिसे वर्ताकार आरेख कहते हैं, इसका निर्माण होता है, क्योंकि वर्ताकार इसलिए नाम डाला गया क्योंकि वर्त के अंदर ही इसको शो किया गया है। इसके साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट करके अपने थियर बुक नोट्स बुक में नोट कर लीजिए और इसको क्राफ पेपर बना के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डेट पे लाना है, तथा नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज का सेशन कंप्लीट होता है।